हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रोशन जीएस क्विज। एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विथ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। और ये कहने की बात नहीं है कि दिस ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, एमटीएस, सीडीएस, रेलवे एंड ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ये ज्योग्राफी का हमारा 12th वीडियो है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट देता हूँ, तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरू करते हैं। तो मोटिवेशनल कोट है आज का, लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही ईजी होगी। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव मोर देन टू इंटरनेशनल बाउंड्रीज। मोर देन टू इंटरनेशनल बाउंड्रीज कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के पास हैं? ऑप्शंस आर 1, 2, 3 एंड 4, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 4। फोर इज द राइट आंसर, बिकॉज स्टेट जो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड वेस्ट बंगाल, ये तीन स्टेट्स एंड एक यूनियन टेरिटरी जो है वो मोर देन टू कंट्रीज से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। फर्स्ट वन इज सिक्किम। सिक्किम जो है वो भूटान, नेपाल और चाइना से शेयर करती है बॉर्डर। अरुणाचल प्रदेश किससे शेयर करती है? चाइना से, म्यांमार से, भूटान से। लद्दाख शेयर करती है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चाइना से। वेस्ट बंगाल शेयर करती है नेपाल से, बांग्लादेश से एंड भूटान से। ठीक है, आप ये मैप देख सकते हो, सिक्किम जो है वो भूटान, नेपाल और चाइना से शेयर करता है। सिक्किम हो गया, ये हो गया आपका चाइना, ये हो गया आपका भूटान और ये हो गया आपका नेपाल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश देखिए, अरुणाचल प्रदेश किस किस से शेयर कर रहे हैं? एक तो ये हो गया आपका चाइना, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका म्यांमार, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका ये भूटान। ओके, लद्दाख देखते हैं, लद्दाख ये रहा, लद्दाख शेयर करता है एक तो आपका हो गया ये चाइना, देन ये एक अफगानिस्तान भी है एंड देन फिर पाकिस्तान भी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कहाँ है? ये रहा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल शेयर कर रहा है किससे? नेपाल से। फर्स्ट वन ये नेपाल से कर रहा है, देन ये बांग्लादेश से कर रहा है एंड भूटान से भी शेयर कर रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग हिल्स अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना है। ऑप्शन आर नल्ला मल्ला हिल्स, सेवोरी हिल्स, पालकुंडा हिल्स एंड जावड़ी हिल्स। तो एक बार पहले हम मैप में देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो मैप में देख सकते हैं आप, सबसे नॉर्थ में कौन सा है? नल्ला मल्ला हिल्स है, नल्ला मल्ला हिल्स, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ रहा है? पालकुंडा हिल्स, दिस वन इज पालकुंडा हिल्स, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ रहा है आपके पास? उसके बाद आ रहा है जावड़ी हिल्स, दिस वन इज जावड़ी हिल्स, एंड उसके बाद कौन सा आ रहा है? सेवरवाई हिल्स, सेवरो जवड़ी हिल्स के जस्ट नीचे सेवरवाई हिल्स है, एंड सबसे टॉप में कौन सा है आपका? नल्ला मल्ला हिल्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट होगा आपका सी, दैट इज 1, 3, 4, 2। 1 नल्ला मल्ला हिल्स, 3 पालकुंडा हिल्स, 4 जवड़ी हिल्स एंड 2 सेवरवाई हिल्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज, साउदर्न मोस्ट रेंज इंडिया का कौन सा? ऑप्शन सर नीलगिरी, अन्नामलाई, काराडमोम एंड नल्ला मलाई। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज काराडमोम, काराडमोम सबसे साउदर्न मोस्ट रेंज है इंडिया का। एक बार मैप में देख लो आप, ये देख लो काराडमोम, काराडमोम हिल्स, हिल्स जो है सबसे साउथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज, कौन सी स्टेट जो है इंडिया की वो
वो मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री से टच होती है। ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। द करेक्ट ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, बिकॉज उत्तर प्रदेश 9 स्टेट और यूटी से घिरा हुआ है। कौन कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट में तो एक बार मैप देख लो आप, नॉर्थ वेस्ट में आप कौन सा हो गया, ये आपका है ना उत्तर प्रदेश। नॉर्थ वेस्ट में आपका हो गया ये हिमाचल प्रदेश, इससे भी कनेक्टेड है। उसके बाद कौन सा हो गया आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हो गया आपका वेस्ट में, देखते हैं कौन कौन सा है। वेस्ट में आपका हरियाणा हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, दिल्ली भी हो गया, ये दिल्ली हो गया यूटी आपका। एंड उसके बाद आपका राजस्थान हो गया, ठीक है। उसके बाद साउथ में देखते हैं कौन से, साउथ में बस एक एमपी है हमारा, एक एमपी हो गया। ईस्ट में कौन कौन सा है, ईस्ट में देखो पहले तो एक हो गया आपका बिहार हो गया, बिहार हो गया, देन झारखंड हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया। तो टोटल 9 स्टेट्स एंड यूटीज से कनेक्टेड है बाउंड्री जिसकी लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाक स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन, पाक स्टेट कौन से देश के बीच है। ऑप्शन आर इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका एंड इंडिया एंड मालदीव। तो पाक स्टेट कनेक्टेड है, दैट इज इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको मैप में, ये रहा आपका पाक स्टेट, दिस वन इज पाक स्टेट, और ये किसके बीच है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साउथ चाइना डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, जो साउथ चाइना का डिस्प्यूट जो चलता रहता है वो कौन से कंट्री उसमें इन्वॉल्व है। ऑप्शन आर चाइना, वियतनाम, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, एंड की ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो चाइना डिस्प्यूट जो है इन सभी देशों के बीच आपस में चल रहा है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज द मोस्ट रिसेंट वन, मोस्ट रिसेंट रेंज कौन सा है। ऑप्शन सर अरावली, विंध्याचल, द हिमालयस एंड द ईस्टर्न घाट। तो मोस्ट रिसेंट जो रेंज है ना वो आपका द हिमालय रेंज है, ऑप्शन सी इज द राइट वन, बिकॉज इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये न्यू फोल्ड माउंटेन है फॉर्म बाय द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स है ना उसके कोलिजन से ये उभड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा हो जाएगा, सबसे ओल्डेस्ट रेंज हो जाएगा आपका अरावली रेंज, ठीक है। कहाँ कहाँ से ये रन करता है, ये हरियाणा टू राजस्थान रन करता है, ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट आपका हो गया अरावली रेंज, एंड सबसे न्यूएस्ट और मोस्ट रिसेंट आप बोल सकते हो द हिमालयस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्रीज विथ डैश कंट्रीज, कितने कंट्रीज के साथ वेस्ट बंगाल शेयर करता है। तो वेस्ट बंगाल शेयर करता है कितने देशों के साथ, नेपाल के साथ शेयर करता है, बांग्लादेश और भूटान के साथ शेयर करता है ना, तो टोटल 3 कंट्रीज हो जाएंगी, 3 इज द राइट आंसर। एक बार मैप में देख लो आप, ये आपका नेपाल हो गया, सॉरी बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ये किस किस से है, एक तो ये बांग्लादेश से है, ठीक है, दिस वन इज बांग्लादेश, ये हो गया नेपाल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, भूटान हो गया। 3 देशों की बाउंड्री लगती है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज डैश लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ साइज, इन टर्म ऑफ साइज इंडिया का कौन सा पोजिशन। ऑप्शन आर 7th, 6th, 8th एंड 2nd, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 7th, 7th इज द राइट आंसर। एरिया के मामले में कौन सा है, 7th, और पॉपुलेशन के मामले में कौन सा है, 2nd, और पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में इसकी पोजिशन 21st पड़ती है, और सिगरेट कंजम्पशन में इसका स्थान है 12, और सुसाइड रेट में इसका स्थान है 19, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर, लैंड बाउंड्री इंडिया का जो है इंटरनेशनली वो कितने किलोमीटर का है। ऑप्शन आर 5,200, 10,200, 15,200 एंड 20,200, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 15,200। लैंड बाउंड्री कितना है, 15,200 किलोमीटर की है, और कोस्ट लाइन की बात की जाए तो कोस्ट लाइन की कितनी है, 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर की इसकी कोस्ट लाइन बाउंड्री, मतलब समुद्र वाली जो सीमा है वो 7,516 किलोमीटर है। और इंडिया को 5 स्टेट, 28 में से 5 स्टेट छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट है ना वो सब इंटरनेशनल बाउंड्रीज से
कनेक्टेड हैं, मतलब बॉर्डर लगते हैं, इंटरनेशनली बॉर्डर लगते हैं। कौन कौन से? चाइना से, पाकिस्तान से, भूटान से, म्यांमार से, अफगानिस्तान से, नेपाल से एंड बांग्लादेश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पटकली हिल्स बिलोंग्स टू विच माउंटेन? पटकली हिल्स जो है वो कौन से माउंटेन रेंज से बिलोंग करता है? ऑप्शन आर हिमाचल, पूर्वांचल, हिमगिरी, हिंदू कुश। तो ये जो है पूर्वांचल माउंटेन रेंज से बिलोंग करता है। एक बार देखते हैं इसको मैप में, ये आप देख रहे हो, ये पूर्वांचल रेंज है। ठीक है, पूर्वांचल रेंज में पटकई जो है, ये यहाँ पे आपका पटकई जो है हिल्स है। ठीक है, और इसके अंदर और कौन कौन से हिल आते हैं? इसके अंदर नागा हिल्स भी आते हैं, नागा हिल्स भी आते हैं। ठीक है, नागा हिल्स दिस वन एंड मिजो हिल्स भी आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ डैस। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया जाता है, मतलब उसका जो परिमाण, जो मतलब मात्रक जो है वो कहाँ से लिया जाता है? ऑप्शन सर हमीरपुर, रामपुर, मिर्जापुर एंड संबलपुर। तो वो यूपी के मिर्जापुर से लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। और इंटरनेशनल टाइमिंग कहाँ से लिया जाता है? वो इंग्लैंड के ग्रीनविच टाइम से लिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स? कौन सा पेयर जो है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स का पेयर है? ऑप्शन सर असम एंड राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, असम एंड गुजरात, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो ईस्ट में तो देखा जाए, ईस्ट में तो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। और वेस्टर्न में कौन सा होगा? गुजरात। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैप में एक बार देख लो आप, ये हो गया आपका गुजरात, दिस वन इज गुजरात एंड दिस वन इज अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच इंडियन स्टेट्स? कौन सी इंडियन स्टेट के साथ चाइना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? ऑप्शन सर अरुणाचल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर तो करता है, बट बिहार जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। बिहार किसके साथ शेयर करता है? बिहार करता है नेपाल के साथ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज इसका बिहार हो जाएगा आपका। मैप में देख लेते हैं, ये देख लो, ये बिहार का बॉर्डर है, ये बिहार का बॉर्डर है। तो ये सिर्फ किससे लग रहा है? नेपाल से लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेपाल से इसका बॉर्डर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालयाज बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज डैश हिमालयाज। जो तिस्ता और दिहांग रिवर जो बहती है वो कौन से हिमालय में बहती है? ऑप्शन सर नेपाल, कश्मीर, आसाम एंड जम्मू। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज आसाम, आसाम इज द राइट आंसर। आसाम हिमालयाज भी बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेस्ट लैंड इन इंडिया? सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड जो है मतलब बंजर भूमि, वो कौन से स्टेट्स में है? ऑप्शन सर गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? राजस्थान में, थार डेजर्ट भी राजस्थान में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द हाइएस्ट पिक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? हाइएस्ट पिक इन अंडमान निकोबार आइलैंड में कौन सा है? ऑप्शन सर माउंट कोयो, माउंट डिवोलो, सैडल पिक एंड माउंट थ्विलर। तो ये है आपका सैडल पिक, सैडल पिक जो है हाईएस्ट पिक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट ए लैंड लॉक्ड कंट्री? जो नेबरिंग कंट्री जो दिया हुआ है ये कौन सा लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है? ऑप्शन आर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो नेपाल तो लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, भूटान भी लैंड लॉक कंट्री है, अफगानिस्तान भी लैंड लॉक कंट्री है, म्यांमार जो है वो लैंड लॉक कंट्री नहीं है, वो एक साइड बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। चलिए मैप में देखते हैं, ये आपका म्यांमार हो गया, दिस वन इज म्यांमार, और ये वाला पार्ट जो है ना ये बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट्स लैंड्स बाउंड्री विथ विच कंट्री? नॉर्थ वेस्ट में इंडिया कौन से कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है? ऑप्शन आर श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इजी क्वेश्चन है। तो नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कंट्री पड़ती है? हमारी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देख लो, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया ना, ये नॉर्थ हो गया, तो इसका पूरा जो है ना पार्ट, ये यहाँ से ये जो है आपका पूरा पाकिस्तान बॉर्डर पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज। जो हिमालय का पार्ट है जो सतलज और काली रिवर के बीच जो है, उसको कौन सा हिमालयाज बोलते हैं? ऑप्शन सर पंजाब हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, आसाम हिमालयाज। करेक्ट ऑप्शन इज कुमाऊं हिमालयाज, वो कुमाऊं हिमालय है। ठीक है, एक बार देखो मैप में दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये आपका सतलज रिवर है, सतलज रिवर, ठीक है, और ये काली रिवर, ये कौन से रेंज में? ये कुमाऊं में है। दिस वन इज कुमाऊं, कुमाऊं हिमालयाज में, ठीक है, कुमाऊं हिमालयाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सहयाद्री रेंज? सहयाद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन आर लेसर हिमालयाज, शिवालिक्स, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। मैप में देखते हैं वेस्टर्न घाट्स कहाँ है। ये वाला जो पार्ट है ना, दिस वन, ये आपका वेस्टर्न घाट्स हो गया। ठीक है, यहीं पे सहयाद्री भी बोलते हैं या वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन? हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो कौन से टाइप ऑफ माउंटेन में फॉल करता है? ऑप्शन आर ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, एक्यूमुलेटेड माउंटेन एंड फोल्ड माउंटेन। तो सबसे न्यूएस्ट माउंटेन कौन सा है? दैट इज हिमालयन माउंटेन। वो कैसे बनता है? वो बनता है टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में कॉलिजन से बनता है। जो पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट है ना, वो जब आपस में टकराते हैं तो वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो टाइप ऑफ माउंटेन माउंटेन हो जाएगा हमारे माउंटेन, दैट इज फोल्ड माउंटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ? ऑप्शन आर भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ है। कितने किलोमीटर का है? वो अराउंड 4096 किलोमीटर का पड़ता है बांग्लादेश के साथ। और सेकंड पोजीशन पे कौन सा आता है? सेकंड पोजीशन पे आपका आता है चाइना। उसका कितना है इंटरनेशनल बॉर्डर का लेंथ? दैट इज 3488 किलोमीटर। थर्ड पोजीशन पे आता है पाकिस्तान, उसका लेंथ है 3310 किलोमीटर। फोर्थ पोजीशन पे नेपाल आता है, उसका डिस्टेंस है 1752 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका म्यांमार, दैट इज 1643 किलोमीटर। एंड सबसे लास्ट, सबसे कम जो है वो भूटान के साथ है, दैट इज 578 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइएस्ट पीक इन इंडिया K2 इज ऑल्सो नोन एज? K2 को हम क्या बोलते हैं इंडिया में? ऑप्शन आर काराकोरम, कश्मीर, गोडविन आस्टिन एंड किनेथ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज गोडविन आस्टिन। इसकी हाइट जो है वो अराउंड 8611 मीटर के आसपास है। ये काराकोरम रेंज में है और ये पार्सली चाइना और पार्सली पाकिस्तान में फॉल करता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप पहले आप देख सकते हो, ये आपका हो गया K2, ये K2 का लोकेशन है, K2 का लोकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। द गुरुद्वारा पंजा साहिब इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? गुरुद्वारा पंजा साहिब जो गुरुद्वारा है वो कौन से नेबरिंग कंट्री में है? ऑप्शन आर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पाकिस्तान। पंजा साहिब जो है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कौन से एरिए में है? हसन अब्दाल एरिए में है। और इसको पंजा साहिब क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जो सिख गुरु के जो संस्थापक थे श्री गुरु नानक जी, उनके पंजे का निशान है यहाँ पे। ठीक है, उनके हैंड प्रिंट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम पंजा साहिब भी बोलते हैं। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको पंजा साहिब गुरुद्वारा। ये आपका पंजा साहिब गुरुद्वारा है जो कि पाकिस्तान में है। तो दोस्तों, आज हमने टोटल क्वेश्चन कवर किए 25 और ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए, लाइक UPSC, BPSC,
SSC, MTS इन सब एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, हर एक क्वेश्चन को आप रेफर करना, देखना, और जहां भी आपको डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछना, मैं उसको पर्सनली डाउट का आंसर दूंगा। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे भी हमारी ऐसी और वीडियो आएंगी ज्योग्राफी की। अभी ज्योग्राफी के साथ साथ फिर मैं पॉलिटी के भी अभी वीडियो ला रहा हूँ, और एंशियंट हिस्ट्री का तो हमारा सारा पार्ट ख़त्म हो गया है, अब मैं शुरू करूँगा हिस्ट्री में, मेडिवियल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री मैं शुरू करूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।